हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो है एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में काम आता है और ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, अर्थात बिना लेबोरेटरी के ये बैक्टीरिया नेचर में ही वही काम करता है जो हम लैब में आर्टिफिशियल कंडीशंस में करते हैं, अर्थात जीन का मैनिपुलेशन। इसमें देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरियम है जिसके अंदर एक लार्ज प्लाज्मिड होता है और ये प्लाज्मिड किसी भी प्लांट के अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। प्लाज्मिड्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया में मेन जेनेटिक रिंग के अलावा जो जेनेटिक रिंग प्रेजेंट होती है उसको प्लाज्मिड कहते हैं, और ये प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी रखती है, अर्थात मेन डीएनए से इंडिपेंडेंट अपना रेप्लिकेशन रखती है। और ये एक बैक्टीरियल सेल में 20 से लेकर 300 की संख्या में हो सकते हैं। ये प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कहलाता है क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। इसका साइज 180 से लेकर के 250 किलो बेस पेयर्स तक हो सकता है और इस बैक्टीरियम के अंदर एक टी डीएनए रीजन होता है। ये टी डीएनए रीजन 23 से 25 केबी अर्थात किलो बेस पेयर्स का होता है जो कि प्लांट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। टीआई प्लाज्मिड्स को ओपाइंस के टाइप्स के आधार पर तीन ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है और ये तीन ग्रुप्स हैं ऑक्टोपाइन, नोपालिन एंड एग्रोपाइन। ये तीन प्रकार के ऑक्टोपाइंस होते हैं। अगले पेज में हम जो डायग्राम देखेंगे वो है इनके संरचना का। तो यहाँ ये देखिए, हम पहले ये देख लेते हैं एक ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड। ये ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड है और इसमें ये देखिए कई प्रकार, ये टीडीएनए रीजन है, ये टीडीएनए रीजन है और इसमें जो ये पूरा टी डी एन है उसका लेफ्ट साइड कहलाता है टी एल और ये राइट साइड कहलाता है टी आर, अर्थात ये लेफ्ट एल का मतलब लेफ्ट रीजन एंड राइट का मतलब राइट रीजन ऑफ टी आई डी एन ए या ट्यूमर इंड्यूसिंग डी एन ए। ये डी एन ए प्लाज्मिड का ही पार्ट होता है। इसके बाद देखिए, इसमें तरह तरह के और जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये आर्क जीन है, ये ट्रा जीन है, ये ओसीसी यानी कि ऑक्टोपाइन कैटाबॉलिज्म जीन है, ये इनकॉम्पैटिबिलिटी जीन है, ये ओरिजिन है अर्थात यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, और ये ऑन्क जीन अर्थात यहाँ पे ऑन्कोजेनी अर्थात ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला पार्ट है। और इस टी डी एन ए में, ये जो टी डी एन ए है इसमें ये देखिए, ये ऑक्सिन जनरेटिंग जीन है, साइटोकाइनिन जनरेटिंग जीन है और ये ओसीएस अर्थात ऑक्टोपाइन जनरेटिंग जीन है, ये आर्गोपाइन है और ये मेनोपाइन जीन है। तो इस प्रकार से इसमें ये कई प्रकार के जीन्स हैं और ये कहलाता है एक ऑक्टोपाइन प्लाज्मिड। तो ये एक टिपिकल प्लाज्मिड की संरचना है। और इधर हम ये देख लेते हैं, ये नोपालिन प्लाज्मिड है, इसमें भी देखिए आर्क जीन, ये नोपालिन सिंथेसिस, ये इनकॉम्पैटिबिलिटी जीन, ये ट्रा जीन यानी कि ट्रांसफ़र जीन, ये ओरिजिन अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन और ये एसीएस जीन, ये एनओएस जीन और इधर ये देखिए ये ऑन्क जीन प्रेजेंट है पूरा। तो इस प्रकार से ये कम्प्लीटली एक प्लाज्मिड है, ये पूरा एक प्लाज्मिड है और ये
ये पूरा एक प्लाज्मिड है और इसमें ये डिफरेंट जीन्स की लोकेशंस हैं, ये डिफरेंट जीन्स की लोकेशंस हैं, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं, ये जीन्स हैं। तो और ये प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए, जो मेन जेनेटिक डीएनए है, उसके अलावा प्रेजेंट होता है। आगे देख लेते हैं, ये एक ट्री का स्टेम पार्ट है और इसमें आप ये देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये बहुत सारा हमें ट्यूमर या गॉल्स टाइप दिखाई दे रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे पेड़ को उसने प्रभावित कर दिया है। ये सारा जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ को हम गॉल डिजीज़, क्राउन गॉल डिजीज़ या ट्यूमर कहते हैं और ये ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम द्वारा ही कॉज करी गई है। तो देखिए कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एक बैक्टीरियल डिजीज़ के कारण। जैसा कि पिछले डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मिड के अंदर जो टी डीएनए होता है, ये टी डीएनए क्या लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है टी एल टी डीएनए एंड राइट साइड वाला पार्ट कहलाता है टी आर टी डीएनए। एल और आर से मतलब लेफ्ट एंड राइट से ही है और बोथ द असेंशियल एंड नॉन असेंशियल रीजन्स ऑफ टी आई प्लाज्मिड कंटेन मैनी जीन्स। टी आई प्लाज्मिड्स के जो भी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल रीजन्स हैं उनमें कई प्रकार के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वन और मोर अनयूजुअल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एनकोडेड बाय डीएनए इज नोन एज ओपाइंस। ओपाइंस कहलाता है, ओपाइंस आर नाइदर फाउंड नॉर्मली इन प्लांट्स नॉर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ओपाइंस जो है वो एक प्लांट में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं और ना ही एक प्लांट द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो ओपाइंस है ये एग्रोबैक्टीरियम द्वारा इसके खुद की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स की तरह काम में आते हैं। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोसिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ऑक्टोपाइन एंड नॉक जीन फॉर नोपालिन ऑफ ओपाइंस आर लोकेटेड एट द वेल डिफाइंड रीजन्स। ये डिफरेंट टाइप्स के आपको मैंने ओपाइंस बताए थे, इनके जो जीन्स होते हैं ये जीन्स अकॉर्डिंगली नेमिंग इनकी करते हैं, जैसे कि नोपालिन के लिए NOC जीन है, ऑक्टोपाइन के लिए OCT जीन है। ये जीन्स टी प्लाज्मिड पे डिफरेंट या डेफिनेट रीजन्स पर ही प्रेजेंट होते हैं और जैसे ARC जीन है, ये आर्जिनिन कैटाबॉलिज्म के लिए होता है। द प्लाज्मिड ऑल्सो कैरीज ट्राजीन ट्रांसफर जीन टू हेल्प द ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर बैक्टीरियल और प्लांट सेल एंड ऑन जीन ONC जीन फॉर ऑन्कोजेनी, अर्थात जो ट्यूमर कॉजिंग जीन होता है उसको ऑन्कोजीन कहते हैं। ओरी जीन अर्थात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन एंड INC एन जीन फॉर इनकम्पैटिबिलिटी। तो इस प्रकार से जो इनका फंक्शन होता है उसी के आधार पर जीन्स को नाम दिया जाता है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ टी डीएनए ट्रांसफर। टी डीएनए बैक्टीरियल सेल से प्लांट सेल के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है उसका मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस लिव्स इन सॉयल एंड अटैक मेनी डाइकॉट प्लांट्स। ज़्यादातर एग्रोबैक्टीरियम डाइकॉट प्लांट्स को ही अटैक करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स के जो वूंड्स हो जाते हैं, अर्थात जहाँ पे इंजरी हो जाती है, वहाँ पर कोई खास प्रकार के केमिकल सिक्रीट होते हैं और उन्हीं केमिकल्स को ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस पहचान लेता है और उसी केमिकल्स के थ्रू उस प्लांट को अटैक करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मोस्ट प्रोबेबली अटैक्स द प्लांट एट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल सरफेस पे उसको अटैक करता है। फॉर्मेशन ऑफ वुंड्स इज नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड इनटू प्लांट सेल्स।
तो एक जिस प्लांट पर बैक्टीरिया अटैक करेगा उस प्लांट पर वुंड बनना आवश्यक होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड सिक्रीटेड बाय बैक्टीरियल सेल वॉल हेल्प्स इन इट्स अटैचमेंट विद पॉली गैलेक्टियोरोनिक एसिड फ्रैक्शंस ऑफ प्लांट सेल वॉल। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि बैक्टीरियल सेल द्वारा सिक्रीट होता है, प्लांट सेल वॉल के द्वारा जो पॉली गैलेक्टियोरोनिक एसिड सिक्रीट होता है, इसके द्वारा अटैचमेंट हो जाता है। अर्थात बैक्टीरियल सेल लाइपोपॉलीसेकेराइड द्वारा प्लांट सेल्स द्वारा सिक्रीट किए गए पॉली गैलेक्टियोरोनिक एसिड को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। फ्रॉम द वुंडेड सेल वॉल्स ऑफ प्लांट अ फिनोलिक कंपाउंड ऑफ लो मॉलिकुलर वेट कॉल्ड एज एसिटोसिरिंजोन इज सिक्रीटेड विच इज इंड्यूसेस द वीर जीन्स ऑफ टी आई प्लाज्मिड्स। जो डायकॉट प्लांट का जो वुंडेड सेल होती है उस वुंडेड सेल द्वारा एक फिनोलिक कंपाउंड एसिटोसिरिंजोन सिक्रीट किया जाता है और ये एसिटोसिरिंजोन प्लाज्मिड के वीर जीन्स को इंड्यूस कर देता है, वीर जीन्स को इंड्यूस कर देता है। वीर जीन्स एनकोड एन अनदर एंजाइम विच निक्स द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। जो ये वीर जीन जब ये एक्टिवेट हो गए, इंड्यूस हो गए, तो ये वीर जीन एक अनदर एंजाइम को एनकोड करता है और उस एंजाइम के सिक्रीशन से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में एक निक बन जाता है, एक निक या कट लग जाता है। ए कट इज मेड ऑन राइट बॉर्डर ऑफ टी डीएनए एंड अ सिंगल स्ट्रैंडेड टी डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ 5-3 डायरेक्शन इज जनरेटेड, इट इज कैरिड इनटू प्लांट सेल्स। तो इस वीर जीन द्वारा जो एंजाइम एनकोड किया जाता है वो जो जिस डीएनए में निक कर देता है, तो उस कट एंड्स के द्वारा टी डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में 5-3 डायरेक्शन में मूव करके प्लांट सेल के अंदर कैरी किया जाता है। टी डीएनए ऑफ टी आई प्लाज्मिड इज स्टेबली इंटीग्रेटेड विद प्लांट डीएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि बैक्टीरियल सेल से निकल करके प्लांट सेल के अंदर एंटर कर गया है वुंड के थ्रू, ये प्लांट सेल के डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है और ये इंटीग्रेशन काफ़ी स्टेबल भी होता है। द सीक्वेंसिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड एट द जंक्शन बिटवीन प्लांट डीएनए एंड टी डीएनए हैज़ बीन डन। प्लांट डीएनए और टी डीएनए के बीच में जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है वो भी रिसर्च कर लिए गए हैं। टी डी एन ए रीजन इन बोथ ऑक्टोपाइन एंड नोपालेन प्लाज्मिड इज फ्लैंक बाय अ डायरेक्ट रिपीट ऑफ 25 बेस पेयर्स। दोनों ही प्रकार के जो रीजन हैं ऑक्टोपाइन एंड नोपालेन प्लाज्मिड्स के, इनके जो टी रीजन्स हैं इन टी रीजन्स के दोनों तरफ 25 बेस पेयर्स के एक डायरेक्ट रिपीट होती है जो इनके दोनों तरफ ही प्रेजेंट होती है। ऑप्स जीन एनकोड्स एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओपाइंस इन ट्रांसफॉर्म सेल्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोलीफरेशन ऑफ इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो ये जो ऑक्ट जीन है ये बैक्टीरिया के प्रोलीफरेशन के लिए बहुत आवश्यक होती है। TLTDNA encodes for two enzymes that are involved in biosynthesis of two phytohormones, auxins and cytokinins. TLDNA जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके कारण ही एक डिसऑर्गेनाइज प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स जिसको कि हम कैलस या गॉल या ट्यूमर कहते हैं वो हमें दिखाई देने लगता है। ये बात हो गई एग्रोबैक्टीरियम के मैकेनिज्म की।
अब हम यहाँ पर इस डायग्राम द्वारा देख लेते हैं कि बैक्टीरियम कैसे इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए एक प्लांट है और ये सॉइल में, यहाँ पर हम AT द्वारा दिखा रहे हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है। जब इस प्लांट में कोई वुंड होएगा तो उसके द्वारा जो सिक्रीट होंगे लाइपोगैलेक्टोसाइड्स, उनको पहचान लेगा ये बैक्टीरियल सेल। और उन ये बैक्टीरियल सेल देखिए यहाँ पर है, ये PN का अर्थ हुआ ये प्लांट न्यूक्लियस, और इस पे ये अटैक कर रहा है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये है BC अर्थात बैक्टीरियल क्रोमोसोम, TP अर्थात tDNA ऑफ प्लाज्मिड, देन AT मतलब एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है। ये पूरा ही जो है वो एग्रो बैक्टीरियम की सेल है। अब आगे देखते हैं, ये जब एंटर कर जाता है तो यहाँ पे ये देखिए एंटर कर गया है, यहाँ पे ओपाइन सिंथेसिस चालू हो गया है, और ये प्लांट का न्यूक्लियस है, ये फाइटो हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस चालू हो गया है, और इस फाइटो हॉर्मोन्स के सिक्रीशंस के कारण ही यहाँ पे देखिए ये गॉल बनने लगता है, और इसी गॉल को ही ट्यूमर भी कहते हैं, और ये इस तरह से हमें डिजीज प्लांट दिखाई देने लगता है। तो ये इस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, अर्थात नेचर में अपने आप ही पाया जाता है, और ये वुंड्स के थ्रू डाइकॉट प्लांट्स की सेल में एंटर करता है और उस प्लांट की सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट होकर के उस सेल की सारी मशीनरी अपने कंट्रोल में लेकर के और अपने मतलब के मेटाबॉलिज्म करने लगता है और अपने मतलब के केमिकल सिंथेसाइज करने लगता है, और रिजल्टिंग जो है वो एक ट्यूमर के फॉर्म में हमें डिजीज फॉर्म में दिखाई देने लगती है, क्राउन गॉल की फॉर्म में। तो नेचर में देखा जाए तो एग्रोबैक्टीरियम एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही काम कर रहा होता है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हम आर्टिफिशियली लैब में करते हैं। तो इस तरह से एग्रोबैक्टीरियम को एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। तो ये थी आज की बात एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में। थैंक यू।